तो फ्रेंड्स, अगर आपने फैम पे में कीपर अपडेट में ये जो 29 रुपीज़ आपने पेमेंट कर दिया है, इस पेमेंट को आपको किस तरह से विड्रॉ करना है, मतलब इस पैसे को आपको रिफंड कैसे लेना है, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये जो आप यहाँ पर देख सकते हो 29 रुपीज़ का जो पेमेंट है, अगर आपने गलती से या कैसे भी अगर आपने कर दिया है तो आप इसको रिफंड कैसे ले सकते हो, उसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है। तो देखो यहाँ से हम इसको बैक होते हैं, और बैक होने के बाद यहाँ से देखना आपको सबसे पहले एक ऑप्शन पर जाना होगा फेमेक्स वाले पे, और फेमेक्स वाले पे जाने के बाद नीचे के साइड आपको जाना है और यहाँ पर देखना आपको एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट सपोर्ट का, कॉन्टैक्ट सपोर्ट का एक ऑप्शन आता है। इस पर जाके आप चाहे तो इनसे चैट वगैरह कर सकते हो। अगर चैट के जरिए अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है तो अच्छी बात है। बाकी मैंने इनसे चैट किया था बट मुझे इसका कोई भी तरह का सॉल्यूशन नहीं मिला। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने किया था इशू विथ माई पेमेंट के नाम से वगैरह वगैरह मैंने किया था। तो यहाँ पर देखो ये लोग तो भाई सीधा सीधा बोलते हैं कि आप लोग अल्ट्रा सब्सक्रिप्शन परचेस कर लो तभी यहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बट मैं तो कहूँगा कि यार ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फालतू का यार हम पैसा क्यों इन्वेस्ट करें या फिर क्यों ही वेस्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को ये परचेस वगैरह नहीं करना है। परचेस करने के बाद भी कोई कुछ खास यहाँ पर हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको बैक हो जाना। बैक होने के बाद देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप यहीं पर स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको एक सपोर्ट का एक देखो एक ईमेल आईडी देखने को मिलेगी कुछ इस तरह का, support@fempay.in। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ, support@fempay.in। इस नाम को आप एक बार अच्छे से कहीं पर लिख लेना या कहीं पर नोट डाउन कर लेना, वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये दे ही दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली से चले जाना है जीमेल पे, अपने आपका फ़ोन का जो जीमेल होगा, और ये वही जीमेल होना चाहिए जिसमें आपका फैम पे अकाउंट का, आपने जो फैम पे अकाउंट दे रखा है, जिसमें आपने रजिस्टर्ड कर रखा है ईमेल आईडी, बस वही इसमें आपको आना है। और यहाँ पर आने के बाद देखो आपको 3 डॉट पे जाना है, और देखो सेंड वाले पे एक ऑप्शन मिलता है, अदरवाइज आप यहाँ पर ये जो कंपोज का एक ऑप्शन देखने को मिलता है इस पर चले जाना है। उसका जो आपको मैंने ईमेल दे रखा है support@fempay वगैरह, वो जो मैंने दिया था वो यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है, और सब्जेक्ट में आपको लिख देना है जिससे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखो हम लोग सपोर्ट में देखो मैंने इनसे लिखा था, यहाँ पर आप देख सकते हो fempay 29 not refund ये जो लिखा हुआ है। उसका देखो यहाँ पर मैंने लिखा हेलो फेम्पे, हियर इज न्यू अपडेट ऑफ फेम्पे वेयर आई परचेस बाय मिस्टेक 29 प्लान, सो आई वांट टू गेट रिफंड माय मनी 29, सो प्लीज सेंड मी और प्रोवाइड डिटेल डेट आई गेट और नोट थैंक यू। मतलब ये जो पैसा है वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर आप मुझे रिफंड करने वाले हो तो इसका आप मुझे जानकारी दे दो। तो मैंने यहाँ पर मैसेज किया था इनको, तो देखो इनका मैंने 7:56 पर इनको मैसेज किया था, तो इन लोग ने इनका मेरे पास रिप्लाई भी आ गया है। देखो तुरंत के तुरंत यहाँ पर देखो ये लोग क्या बोला जा रहा है, तो इन लोग ने सबसे पहले टिकट आईडी दे दिया है, और ये लोग बोले कि 24 आवर्स वेट करो, 24 आवर्स के बाद यहाँ से मुझे रिप्लाई मिल जाएगा। तो 24 आवर्स के बाद मुझे जो भी रिप्लाई मिलेगा आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो पे पता चलेगा, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आके मुझे इसकी जानकारी ले सकते हो, मैंने आपको पहले बताया टेलीग्राम चैनल पर आना है, आप सर्च करके भी आ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। प्रोफाइल वाले आइकन पर जाना, यहाँ पर आपको ये बोट मिलेगा, इस बोट पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और यहाँ से जो आपका पैसा है वो यहाँ से आपका पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका मैं सोल्यूशन आपको दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी की बात करेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में।